अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू किचन विद एनबी। अगेन हम आपके लिए हाजिर हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, जो कि इतनी कोई ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इसे मुंह में रखेंगे और ये घुल जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त डेजर्ट है ये, और स्पेनिश डेजर्ट है फ्राइड डेरी मिल्क, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या चीज़ें चाहिए, और इसकी तारीफ़ भी मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ कि अगर आपके घर में नानी दादी हैं और उनके दांत अब नहीं है तो आप उनको ये आराम से बना कर दे सकते हैं कि उनको कोई चबाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं रेसिपी बनाती हूँ। तो आप देखें मुझे क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मिल्क मैंने ले लिया है 4 कप, हमें मिल्क चाहिए। पहले हम 3 कप यूज़ करेंगे, बाद में हम 4 कप यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे एक लेमन, एक दालचीनी का पीस जो कि 1 इंच होना चाहिए, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, हाफ कप चीनी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बस मेरे पास, इतनी सी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी में हमारा स्पेनिश डेजर्ट फ्राइड मिल्क तैयार हो जाएगा। तो चले अब हम इसको तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पतीली में डाल देंगे 3 कप दूध। तो देखिए 3 कप दूध डाल दिया मैंने इसमें, और हमने फ्लेम रखनी है बिल्कुल लो टू मीडियम। अच्छा देखें, लेमन का हम यहाँ पे कर देंगे कतल, और इस तरह करेंगे कि सिर्फ ये जो येलो पार्ट है ना, इसके छिलके हमने उतारने हैं बस। और बिल्कुल भी इसमें आपका वो नहीं आना चाहिए वाइट पार्ट जो होता है, क्योंकि वो होता है कड़वा। हमारे पास सिर्फ हमें येलो पार्ट चाहिए, और पूरे लेमन का नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। और मैं आपको अभी इसकी क्वांटिटी दिखा दूँगी। ये देखें, सिर्फ येलो पार्ट हमें चाहिए। बहुत एहतियात से आप इसको उतारना है। तो देखें बस इतने हमें, ये जो लेमन के छिलके हमने उतार लिए, ये चाहिए, और एक दालचीनी चाहिए। ये हम डाल देंगे दूध में। तो देखें ये मैंने डाल दिया है दूध में, इसको हम चला लेंगे और थोड़ा सा इसको बॉईल होने देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप चीनी। चलिए थोड़ी देर तक इसको हम पकाएंगे, उसके बाद जो है हम लेमन जो है इसका छिलका और दालचीनी को बाहर निकाल लेंगे। अगर अच्छी लगती है आपको मेरी वीडियोस तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दिया करें। मोटिवेशन मिल जाती है हमें आपके लिए नई नई वीडियोस लाने के लिए, हमें और मोटिवेट होता है। तो अब हमने ये करना है कि 1 कप हम दूध ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे हाफ कप कॉर्नफ्लोर, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे कि इसमें जो है लम्प्स ना बने। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से ताकि ये थिक हो जाए। अच्छा, कॉर्नफ्लोर जो है कोई इसमें टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो मिल्क है इसको गाढ़ा कर देगा, थिक कर देगा, और बिना टेस्ट के। तो ये बहुत ही अच्छा एक हमारे पास वो है कि हम कॉर्नफ्लोर से इजीली इसको थिक कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप इसको छान कर भी दूध में डाल सकते हैं, लेकिन आप इतना अच्छा इसको मिक्स करें कि आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े। चलिए अब हम इसको डाल देते हैं, जो हमारा बॉईल हो रहा है दूध उसमें हम डाल देते हैं। 5 से 8 मिनट हमने इसको कुक कर लिया है। अब जो है मैं ये दालचीनी को निकाल लेती हूँ और लेमन को भी, क्योंकि अब इसमें इसका हमें कोई काम नहीं है। इतने मज़े की इसमें से मुझे खुशबू आने लग गई, बहुत ज़बरदस्त। चलो जी, ये हो गया। अब हम इसको डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर जिसमें हमने मिक्स किया है, वो दूध हम इसमें डाल देंगे और इसको चलाते जाएंगे। अब हमने इसको जब तक पकाना है, जब तक कुक करना है, जब तक ये थिक ना हो जाए, एक ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी इसमें ना आ जाए, जब तक हमें इसको पकाना है। और आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं, कोई हाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही पूरा कुक करेंगे। ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी आने लग गई है और इसको हमें मुसलसल चलाते जाना है। जिस तरह एक कस्टर्ड तैयार होता है, गाढ़ा हो जाता है बिल्कुल, तो उसी तरह आपने इसको भी करना है। ये देखें कितने मज़े का ये लग रहा है और कितना थिक होना स्टार्ट हो गया ये। फौरी से स्टार्ट हो गया और बिल्कुल थिक फॉर्म में आ गया। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा पकाना है कि इसका कलर जो है थोड़ा मज़ेदार सा हो जाए। ठीक है, देखिए स्पून आपने इतना चलाना है कि ये थिक हो जाए अच्छी तरह, जितना हो सकता है ये थिक, बस उतना ही हमें करना है। अब मैं इसको एक डिश में निकालूंगी तो मैं डिश का बताती हूँ कि आपको किस तरह से इसको निकालना है। अच्छा जी, हमें चाहिए एक डिश जो कि चकोर होनी चाहिए, पर मेरे पास चकोर अवेलेबल नहीं थी। आप ले लीजिएगा वही, ताकि जब हम इसको पलटे तो इसको कटिंग में जो है ना हमें आसानी हो जाए, क्यूब्स टाइप का हम इजीली कट कर लें। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमें जो है ना इसमें ब्रश करना है, या तो बटर का या फिर आप ऑयल या घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जब हम जमाने के बाद मिल्क को वो जब हम निकालें तो वो ईज़िली निकल जाए। अच्छे से आपने हर कोने में इसके लगाना है। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क जो हमने बनाया है, या फिर आप इसको पुडिंग कह लीजिए, क्योंकि एक तरह से ये पुडिंग ही कहेंगे इसको। इसको हमने इसमें डालते जाना है। ये देखिए हमने इसमें सबको डालते जाना है और इसको इवन आउट कर लेना है। देखें जी, इसको मैंने डिश में डाल दिया है। अब हम इसको कर लेंगे इवन आउट, हम सारी तरफ से ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज में जमने के लिए। अच्छा, फ्रीज हमने इस करना है इसको ओवरनाइट, बेहतर होगा, अच्छा होगा, बेस्ट होगा। और अगर आप मतलब जब तक आप रख सकते हैं कि जब तक ये जम जाए अच्छी तरीके से, फिर हम इसको निकालेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो अभी मैं रख देती हूँ इसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज होने के लिए। सो गाइस देखिए मैंने इसको कर लिया है फ्रीज। ओवरनाइट मैंने रखा था, या फिर आप ओवरनाइट नहीं रखें तो फिर आप ये देखेंगे कि जब तक ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाए तो आपने रखना है। अब मैं इसको निकाल लूँगी डिश से। तो मैंने इस तरह से बिल्कुल एहतियात से इसे निकालना है नाइफ से। आप भी एहतियात से निकालिएगा ताकि ये अलग हो जाए इसकी साइड्स। अब मैं एक ले लूँगी कटिंग बोर्ड, ताकि इजीली ये हम इसके क्यूब्स बना सकें। मैं इसको पलट लेती हूँ बहुत ही आराम से। देखें बाहर आ गए और कितना ज़बरदस्त, कितना फ्लफ़ी ये तैयार हुआ है। ये देखें मैं इसको कट कर लूँगी क्यूब्स की शक्ल में। अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए कितने मज़े की लग रहे हैं ये, बिल्कुल खीर जैसा टेस्ट होता है इसका। इतनी जो दूध की क्वांटिटी में बहुत सारे बन जाते हैं। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा बनाएं, 2 डिशेज़ में। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हो रहा है। मैं इसको इस साइड से भी कट कर लूँगी ताकि ये हमारे पास क्यूब की शक्ल में आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पास फ्लफ़ी सा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको करेंगे फ्राई, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। सो गाइस अब बारी आती है हमें इसको कोट करने की। तो मैंने यहाँ पर ले लिया मैदा, थोड़ी सी आप मिकदार में ले लें, और हमने ले लिया 1 अदद अंडा। अंडे को मैं जो है फेंट लूँगी। अच्छा, फ्रिज से निकालने के बाद आपने ये वाला प्रोसेस जो है जल्द ही करना है, ये नहीं कि आप टाइम लगाएंगे। ठीक है, आपने इसको उठाना है। देखिए इतना ज़्यादा फ्लफ़ी है कि मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा, बिल्कुल जेली फॉर्म में। सबसे पहले हम इसको कोट करेंगे मैदे में। अच्छा, मेरे ख्याल था कि ये जो है फ्राइड मिल्क, ये जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये पिघल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पिघला। फिर हम इसको कोट करेंगे अंडे में और इसको हम डाल देंगे ऑयल में। एक फ्राई पैन में मैंने इतना ऑयल लिया है जितना बस ये फ्राई हो जाए। तो हम इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल स्लो आपने फ्लेम पे ही रखना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो। इसके बाद हम दोबारा सबको कर लेंगे कोट, पहले मैदे में, इसके बाद फिर हम एग में। चले अब हम सबको फ्राई कर लेते हैं। तो देखें कितना ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहा है। इसको हम पलटते जाएंगे और हमारी क्यूब्स मतलब पुडिंग जो है वो फ्राई हो रही है। फ्राइड मिल्क रेडी हो रहा है। इसके क्या क्या नाम लूँ मैं आपके सामने, इतने सारे नाम हैं इसके। आप इसे पुडिंग कह लें, आप इसे फ्राइड मिल्क कह लें, आप इसे जेली की शक्ल में कुछ कह लें, तो ये बहुत ही अच्छा तैयार होगा। बहुत ही मज़े का यूनिक रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्चुअली ये है स्पेनिश डेजर्ट, ये हमारे पाकिस्तान वगैरह में कहीं नहीं बनता ये स्पेनिश डेजर्ट। तो बाकी के भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलें अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, अच्छे से इसका ऑयल निकाल कर। ये इतने ज़बरदस्त हैं कि ना ये मुझे धक्का देके फ्राई पैन से बाहर निकालना पड़ रहा है। सो गाइस देखें बिल्कुल रेडी हो गए हमारे फ्राइड मिल्क। मैंने इसको फ्राई करने के बाद 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये बिल्कुल चिल हो गए, बिल्कुल ठंडे हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इसको चीनी में कोट कर लेंगे। एक प्लेट में मैंने ले ली है चीनी और इसको बस इस तरह से हमने थोड़ा सा कोट करना है। बहुत ज़बरदस्त है, एक क्रंच आ जाता है इसमें। और इसको हम रखते जाएंगे साइड पर। अच्छा, चीनी जो है जब भी आप इस पर लगाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि बिल्कुल चिल हो, ठंडे हो। अगर आप बिल्कुल गरम गरम फ्राई करने के बाद फौरी ये लगा देंगे ना चीनी, तो फिर चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, फिर वो अच्छा सा नहीं लगेगा, शीरा बन जाएगा अजीब सा। सो गाइस तैयार है हमारे फ्राइड मिल्क। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त, क्रंची, बहुत मज़ेदार से स्पेनिश डिज़र्ट है ये। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ NB किचन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।